आप कंफ्यूज हो कि आपके ऊपर ग्लोई मेकअप अच्छा लगेगा या मैट मेकअप लुक, लेट मी हेल्प यू डिसाइड। दिस इज व्हाट ड्यूई मेकअप लुक्स लाइक। इसमें स्किन ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटिंग लगती है एंड स्किन पे एक ग्लो होता है। और ये है मैट मेकअप लुक जिसमें फेस बिल्कुल भी शाइनी नहीं लगता है। देयर आर फोर फैक्टर्स व्हिच विल हेल्प यू डिसाइड व्हिच मेकअप लुक टू गो फॉर। पहला है स्किन टाइप। ज्यादा करके ड्राई स्किन वाले प्रेफर करते हैं कि वो ड्यूई मेकअप करें जिससे उनका फेस और हाइड्रेटेड एंड ग्लोई लगे। पर अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो प्रेफर करें मैट मेकअप लुक, क्योंकि ड्यूई मेकअप आपके ऊपर और ज्यादा ऑयली लग सकता है। सेकंड फैक्टर है स्किन टेक्सचर। अगर आपकी स्किन पर टेक्सचर है और आप ड्यूई मेकअप करेंगे उससे वो टेक्सचर और ज्यादा एनहांस्ड लगेगा। और अगर आप मैट मेकअप लुक करेंगे तो कॉम्पैक्ट की हेल्प से आपका टेक्सचर ब्लर हो जाएगा और आपकी स्किन स्मूथ लगेगी। सो अगर आपको अपनी स्किन टेक्सचर से ध्यान हटाना है तो गो फॉर अ मैट मेकअप लुक, अदरवाइज गो फॉर ड्यूई मेकअप लुक। नंबर 3 इज कवरेज एंड लॉन्जेविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लास्ट करे मोर देन 8 आवर्स, देन गो फॉर मैट मेकअप लुक, बिकॉज उसमें हम अपना मेकअप अच्छे से सेट करते हैं पाउडर की हेल्प से, तो उसका लॉन्जेविटी बढ़ जाता है। और अगर आप ड्यूई मेकअप करना चाहते हैं तो उसमें हम कम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एंड कम कवरेज मिलता है, तो उससे लॉन्जेविटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफी। ड्यूई मेकअप रियल में एकदम स्किन लाइक लगता है, बट अगर आप फोटोग्राफ्स लेंगे रात के टाइम तो आपका स्किन ऑयली एंड ग्रीसी लग सकता है। बट मैट मेकअप में कम लाइटिंग में भी अच्छे फोटोज आते हैं। बट एट दी एंड चॉइस आपकी है, आपकी स्किन पर आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।